हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक देखा था एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस कैसे करते हैं। सो ये टॉपिक भी वही है, बस इसका जो नाम है अब आपको न्यू लग रहा होगा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। जो हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस किया वो इसी का ही पार्ट है। सो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस में टू टॉपिक्स आते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। इसका मेथड जो है ये यही फाइंड करता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। सो ये जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है ये भी इनवर्स फाइंड करता है। सो जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है नेम, ये भी सेम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का नेम ही है, बट रो ऑपरेशन इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि आप रो ऑपरेशंस की हेल्प के साथ फाइंड करते हैं अपना इनवर्स। अगर मैं अपने इनवर्स की वैल्यू कॉलम ऑपरेशंस लगा के फाइंड आउट करूँगी तो मैं उसको बोलूँगी एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। सो आई होप आप इस न्यू नेम से, ट्रांसफॉर्मेशन नेम से कन्फ्यूज नहीं होंगे। दिस इज़ वन ऑफ द सेम थिंग जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिटेल में समझाया था कि इनवर्स कैसे और किस तरह से फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। सो बेसिकली हमारे पास इसमें टू टॉपिक्स होते हैं, टू वे होते हैं हमें सॉल्व करने के। या तो आप रो ऑपरेशंस लगा सकते हो अपने मैट्रिक्स पे, या तो आप कॉलम ऑपरेशंस लगा सकते हो। सो मैंने आपको रो ऑपरेशंस बताए थे प्रीवियस वीडियो में, इसमें आप कॉलम ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं। सो जिस तरह से ये मेरी रो वन है, रो टू है, और इन पे मैं ऑपरेशंस इस तरह से लगाऊंगी कि रो वन में से कुछ ना कुछ चला जाए या रो टू में से कुछ ना कुछ माइनस प्लस हो जाए और मुझे वो वैल्यू दे दे। कॉलम में आप क्या करेंगे, आप कॉलम देख रहे हैं इस तरह से, तो कॉलम वाइज आपके अप्लाई होते हैं ऑपरेशंस। सो आई होप द डिफरेंस इज क्लियर टू यू। नाउ अब हम देखेंगे सॉल्वड एग्जाम्पल फॉर एक्सरसाइज 3.4, दैट इज एग्जाम्पल 23। सो मैं प्रेफर करती हूँ मोस्ट प्रोबेबली रो ऑपरेशंस, एंड मैं रो ऑपरेशन से ही आपको ये एग्जाम्पल 23 करके दिखाऊंगी। सो नाउ लेट्स फाइंड आउट दिस। एंड जिन स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ वीडियो देखें, प्रीवियस वीडियो देखें, बिकॉज उसी में मैंने आपको डिटेल एलिमेंट्री ऑपरेशंस किस तरह से आप अप्लाई करते हैं टू फाइंड योर इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। सो आप प्लीज़ उसे देखें ताकि आपको ये वीडियो समझने में प्रॉब्लम ना आए और आप इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। सो एग्जांपल 23 मैं कर रही हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मेरे पास मैट्रिक्स ए है। सो सबसे पहले मुझे फर्स्ट स्टेप अप्लाई करना है, दैट इज़ मुझे चेक करना है कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, और उसको चेक करना मैंने आपको बताया था विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट यू कैन चेक वेदर योर मैट्रिक्स एग्जिस्ट फॉर द इनवर्स और नॉट, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। सो डिटर्मिनेंट भी मैंने आपको फाइंड आउट करना सिखाया था प्रीवियस वीडियो में। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें इस वीडियो को देखने से पहले। सो जब मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रही हूँ, 1 × -1 − 2 × 2, सो −1 − 4, दैट इज −5, जो कि वैल्यू आपकी जीरो के इक्वल नहीं आ रही है। सो दैट मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सो अगर मेरा इनवर्स एग्जिस्ट करता है इस मैट्रिक्स के लिए, सो नाउ लेट्स फाइंड आउट दैट। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो मैट्रिक्स गिवन है जिसका आपको इनवर्स निकालना है वो आप लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स डॉट ए। इसको आप फाइंड करेंगे अब रो ऑपरेशंस लगाकर। सो मेरा सबसे पहला वर्क क्या है, ये एलिमेंट को 1 बनाना, बट ये ऑलरेडी 1 है। हमें एक्चुअल में इस मैट्रिक्स को बिल्कुल इस तरह से बनाना होता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मुझे 0 चाहिए, नेक्स्ट स्टेप में मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, एंड यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में 0 चाहिए। सो इसी तरह से आपका इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट होती है। सो जैसे कि आपका 1 एलिमेंट ऑलरेडी है यहाँ पर, तो रो 1 को चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, डायरेक्ट यू कैन जंप टू रो 2। सो रो 2 पे अब मुझे यहाँ पे इस वैल्यू की जगह 0 चाहिए, सो मैं उसी अकॉर्डिंगली अपना ऑपरेशन लगाऊंगी। सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ R2 − 2 × R1। इसका रीज़न मैंने आपको अच्छे से बताया था कि मैंने R2 − 2 × R1 क्यों लिखा था प्रीवियस वीडियो में भी, और यहाँ पर भी ये ऑपरेशन क्यों लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, 0। 0 बनाने के लिए मुझे रो से ही रो, क्योंकि ये रो ऑपरेशन से हम फाइंड आउट कर रहे हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, तो मुझे रो में से ही रो या तो ऐड या माइनस करके कुछ भी जो कि मुझे लानी है 0। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है। अगर मुझे यहाँ पे 2 मिल चुका है और यहाँ पर भी अगर 2 होता तो डायरेक्ट रो 2 में से अगर रो 1 चली जाती तो मुझे 0 मिल जाता, लेकिन जैसे कि यहाँ पर 2 नहीं है
तो इसलिए मैंने यहाँ पे रो वन को ट्वाइस से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज रो वन को ट्वाइस से मल्टीप्लाई करने पर और उसके बाद उसको माइनस करने से ही डायरेक्ट मुझे ज़ीरो मिलेगा। सो पहला स्टेप आई होप क्लियर है कि पहला ऑपरेशन मैंने किस तरह से लगाया है। सो डायरेक्टली टू माइनस ट्वाइस ऑफ वन, आपको यहाँ पे इस एलिमेंट पे क्या वैल्यू मिली, ज़ीरो। और ये वर्क जो है आपकी कैलकुलेशन वर्क जो है आप रफ वर्क साइड में कर सकते हैं, ठीक है। सो रो वन जिस पे कोई ऑपरेशन नहीं लग रहा है बिकॉज आपका रो टू पे ऑपरेशन लग रहा है, तो रो वन को आप एज इट इज़ लिख देंगे। सो यहाँ पे हर एक एलिमेंट चेंज होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड वर्क करता है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। अगर आप रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे भी चेंज करेंगे जिस भी पर्टिकुलर रो के लिए आप चेंज करना चाह रहे हैं वैल्यू, और वो राइट हैंड साइड पे भी चेंज होंगी, राइट। सो पूरी रो टू चेंज हो रही है, दिस रो टू चेंजेस लाइक दिस। सो ये चेंज कर दिया, अब इसको चेंज करेंगे, फिर इसको एंड फिर इसको। यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है ज़ीरो जो कि आपको चाहिए थी। यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आएगी, कैलकुलेट करके देखो, माइनस वन माइनस ट्वाइस ऑफ आर वन दैट इज दिस, माइनस वन माइनस वो दैट इज माइनस फाइव। रो ऑपरेशंस इस तरह से आपको लगाने हैं कि आपके प्रीवियस वैल्यूज चेंज ना हो, जो एलिमेंट आपको चाहिए वो आपका बिल्कुल चेंज हो, जो भी आपके रिक्वायरमेंट है वो तो चेंज हो, लेकिन साइड में जितने भी चेंज हो रहे हैं, सपोज़ मैंने रो टू पे ऑपरेशन लगाया था, तो रो टू पे बाकी जगह चाहे कोई भी वैल्यू आए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ये देखना है कि आपके प्रीवियस वैल्यूज़ एज इट इज़ रहे। इस साइड क्या आएगी वैल्यू, ज़ीरो माइनस ट्वाइस ऑफ वन दैट इज़ माइनस टू, एंड यहाँ पर वैल्यू आएगी आपकी अगेन वन। सो अब रो टू इस तरह से चेंज हो चुकी है। अब मेरे पास ये हो गया है वैल्यू, ये वैल्यू हो चुकी है, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं इसको। अब यहाँ पर मुझे वन चाहिए, सो मैं उसी के अकॉर्डिंगली अपना ऑपरेशन लगाऊंगी ताकि जो मेरी प्रीवियस वैल्यू है वो वन और ज़ीरो ही रहें, बाकी कुछ चेंज ना हो। सो माइनस वन बाय फाइव को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ अगेन रो टू से, तो मुझे यहाँ पे वन मिल सकता है। अगेन रो वन चेंज नहीं हो रही है तो डायरेक्ट एज इट इज़ लिख देंगे आप। अब रो टू चेंज हो रही है किस तरह से, इस तरह से। सो यहाँ पे ज़ीरो का ज़ीरो ही रहेगा अगेन, आप डाल के देखिए आर टू की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। और ज़ीरो आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी से भी करेंगे आपको ज़ीरो वैल्यू मिलेगी। नाउ यहाँ पे माइनस फाइव मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस वन बाय फाइव से, सो फाइव से फाइव कैंसिल, माइनस माइनस वैल्यू प्लस हो गई, दैट इज़ पॉजिटिव वन ओनली। सो यही वैल्यू आपको चाहिए थी यहाँ पर, एंड यहाँ पर अकॉर्डिंगली आप चेंज कर लीजिए। सो यहाँ पे वैल्यू आएगी टू बाय फाइव एंड यहाँ पे माइनस वन बाय फाइव। सो नाउ रो टू का काम हो चुका है, रो वन में वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको मैप दिखाया था कि आपको किस तरह से चलना होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है वो तो आई नो श्योर, लेकिन पहले आपको यही चूज़ करना होता है, दूसरे नंबर पे आपको इसकी वैल्यू ही चेंज करनी है, तीसरे नंबर पे आपको इसके पास ही जाना है, एंड फोर्थ नंबर लास्ट में आप इसकी वैल्यू ही चेंज करेंगे, ठीक है। जो भी आपको मैट्रिक्स गिवन होगा उसकी आप इस तरह से मैपिंग करेंगे। पहले आपको यहाँ पर ही वन चाहिए, फिर यहाँ पर ज़ीरो चाहिए, फिर यहाँ पर वन चाहिए, फिर यहाँ पर ज़ीरो चाहिए, लास्ट में इसी स्टेप वाइज चलेंगे। यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे कि यहाँ पर मैं पहले वन को चेंज कर दूँ, यहाँ पे मैं पहले ज़ीरो ले आऊँ, या ऐसे, इस तरह से आप नहीं चलेंगे। बिल्कुल सिमेट्री जो मैंने आपको बताई है उसी तरह से आपको काम करना है। सो नेक्स्ट आपका अब रह गया है इसको ज़ीरो बनाना। सो रो वन के लिए ऑपरेशन लगेगा। सो रो वन चेंज हो रही है किस तरह से, रो वन में से माइनस कर दूँ मैं ट्वाइस ऑफ रो टू, तो मेरे को यहाँ पे वैल्यू देगा वो ज़ीरो, और बाकी वैल्यूज़ आपकी एज इट इज़ रहेंगी आप अगर कैलकुलेट करके देखेंगे। सो ये ऑपरेशन लगाने के बाद आपके पास क्या वैल्यू आएगी, वन ज़ीरो ज़ीरो वन इक्वल्स टू, यहाँ पे वन बाय फाइव हो जाएगा, टू बाय फाइव हो जाएगा। सो ये आपकी वैल्यू आएगी अगर आप ये ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये ए जो है इधर चला जाएगा, तो किस तरह से लिखेंगे हम इसे। सो ये ए इनवर्स और ये क्या है, इसको आप आई लिख सकते हैं क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। यहाँ पे ये वैल्यू मल्टीप्लाई होके फिर से ए इनवर्स वैल्यू मिलेगी, राइट, बिकॉज आइडेंटिटी के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करें आपको यही वैल्यू मिलेगी। सो आपका ए इनवर्स आपको फाइंड आउट करना था, ए मैट्रिक्स का आपको इनवर्स फाइंड करना था, वो आपने फाइंड आउट कर लिया है बहुत ईजिली। सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना बताऊंगी विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस।
So please stay tuned. Thank you, students, for watching this video. Please like, share and subscribe.